निकल चुके हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं वंदना लॉलीपॉप खाती हुई? यूनिट 1, यूनिट 2, यस लग रहा है चैप्टर के नाम नहीं जगह का नाम है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। इट्स अ वेल नोन प्लेस फॉर शॉपिंग एंड आई लव शॉपिंग, यू गाइस लव टू वॉच शॉपिंग हॉल। सो देखते हैं कि हम लोग क्या क्या खरीदेंगे वहाँ पे। ज्वेलरी कपड़े सब मिल जाते हैं वहाँ पे और लड़कियों के लिए बहुत अच्छा अच्छा आइटम मिलता है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। अभी मार्केट के स्टार्टिंग में ही मैं खड़ी हुई हूँ एंड अंदर एंट्री मारेंगे फिर शॉपिंग शुरू करेंगे। और राइट, तो यहाँ पे ना सस्ती चीज़ें बहुत मिलती है, ज्वेलरीज, एथनिक कपड़े और जो हैंडलूम होता है उड़ीसा का उसके भी काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं और लोग भी बहुत है यहाँ पे। सो लेट्स गो। This is my second time in Unit 2 market and this market has a lot to offer. Let me show you around first, उसके बाद मैं आपको हॉल दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक बैंगल की शॉप थी जहाँ पे डिफरेंट कलरफुल बैंगल्स अवेलेबल थे। मेटल बैंगल की स्टार्टिंग कॉस्ट वॉज 100 रुपीज, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। इसी शॉप में ही लाख की चूड़िया मिल रही थी, उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी थी, स्टार्टिंग प्राइस वॉज 800 रुपीज। थोड़ा आगे जाके बगल में मुझे एक शेरवानी की शॉप दिखी, काफी डिफरेंट वेरायटी की शेरवानी अवेलेबल थी। मैंने उनसे स्टार्टिंग प्राइस पूछा तो उन्होंने 3500 बताया। ये स्टार्टिंग प्राइस क्या है आपकी शॉप में? 3500। एंड नाउ वी आर एंटरिंग द मेन मार्केट एरिया। दिस वेंडर हैड पार्टी वेयर सूट सेट जहाँ की स्टार्टिंग प्राइस वॉज 1500 रुपीज एंड इट कैन गो अप टू लाइक 5000। दिस वन दैट ही वॉज शोइंग वॉज 3500 रुपीज का एंड दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ सेंटर एरिया ऑफ द मार्केट। ये जो बयोनिका शॉप आपको दिख रही है यहाँ से मैंने शॉप किया था। अगर आपने भुवनेश्वर लॉग 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ना कॉटन की हैंडलूम साड़ियाँ ली थी यहाँ से और मॉम के लिए बॉम्बकाई साड़ी ली थी। एनीवे लेट जस्ट एक्सप्लोर द मार्केट फर्दर मोर। आपको छोटे छोटे से वेंडर मिल जाएंगे कुर्ता सेल करते हुए और कुर्ता का मटेरियल लाइक कॉटन ब्लेंड मिक्स मटेरियल। द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द कुर्ता इज 200 रुपीज और सेम सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न एंड कुर्ता आपको डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के पास मिल जाएंगे। एंड देयर वाज अ शॉप जहाँ पे सिर्फ कॉटन प्रिंटेड नाइटीज मिल रही थी, काफी अच्छी क्वालिटी और वेरायटी थी इनके पास। आई ऑल्सो सॉ छोटे छोटे सेलर्स और वेंडर्स दुपट्टा बेच रहे थे जिसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी मुझे। बार्गेन हो सकती है इस मार्केट में, लेट मी टेल यू दैट। एंड थोड़ा अंदर अंदर जाके आई एक्सप्लोर सम ज्वेलरी शॉप्स एज वेल। दिस इज लाइक जन्नत फॉर मी। यहाँ पे झुमकास और इयररिंग्स की स्टार्टिंग प्राइस वॉज 30 रुपीज, यहाँ से मैंने एक इयरिंग लिया है। एंड दिस मार्केट हैज लाइक लॉट टू ऑफर। इस मार्केट में मुझे इसे वॉचेस मिल गए काफी अफोर्डेबल 250 रुपीज के अंदर। थोड़ा सा आगे जाके आई सॉ अ सेलर जो कि जूट बैग्स, टोट बैग्स वगैरह सेल कर रहे थे। क्वालिटी काफी पसंद आई तो आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन दिस टू। फिर एक पर्टिकुलर शॉप जो की पूजा ज्वेल्स के नीचे एक गली जाती है, वहां पे मुझे दिखा चिकनकारी कुर्ता विद इनर जिसका स्टार्टिंग प्राइस वॉज 650 रुपीज। आई वॉज आईंग ऑन दैट पर्पल वन बट मेरा साइज अवेलेबल नहीं था, वरना मैं ले लेती फॉर श्योर। क्वालिटी क्वाइट एवरेज आई मस्ट से। एंड देन वी वेंट टू उत्कलिका, इट्स अ वेल नोन शॉप। यहाँ पे मुझे फिलगिरी आर्ट फॉर्म के ज्वेलरीज चाहिए थे, स्पेसिफिकली इयररिंग्स और काफी डिफरेंट वेराइटीज अवेलेबल थे। स्टार्टिंग प्राइस वॉज 300 रुपीज यहाँ पे। सो फिलगिरी इज अ हैंडमेड आर्ट फॉर्म जो कि रियल गोल्ड या सिल्वर पे बनता है। दिस इज क्वाइट फेमस इन उड़ीसा। अगर आप उड़ीसा जाओगे ना तो फिलगिरी के ज्वेलरी जरूर लेके आना। फॉर सम रीजन माई कैमरा इज नॉट फोकसिंग ऑन दिस। गाइज अभी हम उत्कलिका में हैं। यहाँ पे जो फिलगिरी वर्क है ना वो उड़ीसा का बहुत फेमस हैंडक्राफ्टेड वर्क है, उसकी ज्वेलरी वगैरह हम लोग देख रहे हैं। दिस आई ट्रूली लाइक बट इट्स अ बिट हैवी एंड एक्सपेंसिव, बट यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस इज लाइक 300। इट्स वेरी प्रिटी बट द कॉस्ट इज 5700। आई हैव सिलेक्टेड दिस वन, आई एम गेटिंग दिस वन, इट वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। पेंडेंट कोले मिल जो तार कौन आप 300-400 आरंभ स्टार्टिंग प्राइस अच्छा अच्छी माने एंडिंग एला माने 15,000-16,000 ऊपर अच्छा। ये बिछिया देख जो माने कहते ना स्टोन है, प्लेन है, स्टोन रखो गोडो मुद्दी स्टोन कुछ रखो गोडो मुद्दी कौन सी कौन सी कौन सी हां हां गोडो मुद्दी हिंदी में बिछ गोडो मुद्दी झुंटिया कौन सी झुंटिया झुंटिया हां क्या कहते हैं इसको चंदा? ये चांदुआ है, चांदुआ। ये हमारे घर में ना बचपन में बहुत बॉल्स भी लगा करता था, एटलीस्ट 2-3 होते थे बट अब नहीं होते ये। अब मुझे पता चला कि दिस इज उड़ीसा की वैरायटी। एंड दिस ऑल्स आर लैंप्स, दिस इज लैंप। जगन्नाथ भगवान के कल्चर का है, इसको हम लोग पट्टचित्र
वर्क बोलते हैं, पट्टचित्र पेंटिंग। इस पे सारा जगन्नाथ जी का लिखा हुआ है, उनका सारा एक्टिविटीज वो है, पट्टचित्र पेंटिंग बोलते हैं। दिस इज मेड, इसकी साड़ी भी बनती है ना? हाँ, इसका साड़ी भी बनती है, इसका सब कुछ बनता है। ये जगन्नाथ का सोना बेसा का जो है आर्ट, ये आर्ट का सोना बेसा इतने अच्छे से बनाया यार, 10% हो ना सब उतरे? ठीक है, उन लोग वहाँ पे कच्चा बिलिंग कर रहे हैं, मुझे पे करना आगे जाके। मैं तब तक आपको वुड का जो वर्क वाला है ना वो वाला आइडिया दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। इस शॉप में वुडन और स्टोन के मूर्तियाँ अवेलेबल थी, साथ साथ यहाँ पे हैंडलूम्स भी अवेलेबल था। जैसे बयोनिका है ना, काफ़ी सिमिलर है उत्कली का, बट बयोनिका में मुझे ना ज्वेलरी नहीं मिला था, लेट मी टेल यू दैट। I'm going to show you what all the things that I got from Unit 2 Market Bhubaneswar. Haul time hai ye, uske baad main review bhi karne wali hu market ka. The first thing that I bought from the market are this metal ki jhumkas. They are so lightweight. The price of this jhumka is 100 rupees only. Just shopkeeper ke paas se maine khareeda na, they had like different varieties and style available. Isme bhi different colors available tha. But I was looking for like this particular style. Main aisa kuch white or gold mein chahti thi. Niche yahan pe pearl ki detailing bhi di gayi hai. Chhan chhan awaaz bhi karta hai ye. Bahut hi sundar lagta hai. I can wear this and style this in so many different Indian outfit or Indo western आउटफिट, और अभी फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, सो डेफिनेटली आई कैन मेक यूज ऑफ दिस। मोर इयरिंग्स फ्रॉम दिस शॉप उत्कलिका, यहाँ पे ज्वेलरी, कपड़े और हैंडक्राफ्टेड हाउस डेकोर आइटम्स भी अवेलेबल थे, एंड आई वाज लुकिंग फॉर पर्टिकुलर हैंडक्राफ्टेड फिलिग्री आर्ट फॉर्म की ज्वेलरीज, स्पेशली इयरिंग्स। ऑलराइट, और मुझे यहाँ पे काफी डिफरेंट स्टाइल्स और वैरायटीज दिख गए थे, जैसे कि आप लोग ने वीडियो में देखा। सो आई बॉट 3 इयरिंग्स फ्रॉम हियर। सो दिस इज द फर्स्ट इयरिंग, 92.5% प्योर सिल्वर इयरिंग्स है ये। अगर आप क्लोजली देखोगे ना इयरिंग को, जो स्पाइरल फॉर्म दिख रहा है ना, दैट इज फिलग्री आर्ट फॉर्म। काफी लाइट वेट है ये इयरिंग, बहुत ही सुंदर, दिस इज लाइक अ क्लासिक पीस, ये सालों साल चल जाएगा। और मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं उड़ीसा गई थी और मैं ऐसा कुछ लेके आई थी, तो ये मेरे स्पेशल इयरिंग्स और ज्वेलरी कलेक्शन में जाने वाला है। सो द प्राइस ऑफ दिस इज 1180 रुपीज, और 10% ऑफ दे रहे थे वो हर ज्वेलरी में, सो ये मुझे 10% ऑफ में मिला। नेक्स्ट पीस ऑफ इयरिंग दैट आई बॉट फ्रॉम उत्कलिका आर द सिल्वर हुप, द प्राइस ऑफ दिस इज 550 रुपीज, अगेन 10% ऑफ में मुझे ये मिला। काफी लाइट वेट के हैं ये, कितने डिफरेंट तरीके से मैं इसे स्टाइल कर सकती हूँ, दीज आर लाइक एवरीडे वेयर इयरिंग एज वेल। देन माय सिस्टर वाज लुकिंग फॉर सम सिल्वर स्टड्स, इसमें भी डिफरेंट साइजेस और कलर्स अवेलेबल थे, आई ऑप्टेड फॉर दिस पिंक वन, पिंक वाला बहुत अच्छा लग रहा था उनके ऊपर। अगेन ये 92.5% प्योर सिल्वर के ऊपर बना हुआ है ये स्टड। ओ, इयरिंग्स के अलावा मैंने एक और चीज खरीदी वहां से, दिस इज कॉल्ड बिछिया, गुड़ो मुद्दी उड़िया में कहते हैं इसे, जो पैरों में पहनते हैं ना वो वाला रिंग है ये। आई बॉट दिस एक्चुअली फॉर माय मदर, शी लाइक्ड इट, बट उन्होंने बोला कि साइज थोड़ा बड़ा चाहिए था उनको, इट्स ओके आई कैन वेयर दिस, छोटे छोटे मैं भी पहन सकती हूँ, यू नो। आई थिंक बिछिया जो होता है शादीशुदा लोग पहनते, आई डोंट नो, मतलब स्टाइल के लिए तो अच्छा है, काफी सुंदर है। एंड देन आई हैव दिस ट्राइबल प्रिंट का टोट बैग, इसमें दो कलर्स अवेलेबल थे, आप लोग ने मुझे इसे खरीदते हुए देख ही लिया होगा। द प्राइस ऑफ दिस टोट बैग इज 550 रुपीज, वो ज्यादा बार्गेन करने के लिए एकदम रेडी नहीं थे, तो मैंने उसको सोचा कि ठीक है यार 50 रुपए और रख लो, मैं 500 रुपए में खरीदना चाह रही थी इसके लिए। तो इसमें एक ही कंपार्टमेंट है, उसके बाद अंदर एक चेन दिया गया, एक छोटा कंपार्टमेंट और दिया गया जहाँ पे आप अपनी चीजें रख सकते हो, पीछे भी एक चेन है, इसके हैंडल्स में ये छोटे छोटे गोल्ड डिटेल्स एड हुए हैं जो कि मुझे काफी पसंद आया। छोटा सा बैग भी दिया गया है जिसे आप डिटैच कर सकते हो, दिस इज डिटैचेबल, इसमें भी मैंने अपने मेडिसिन भर के रखे हुए हैं। और पता है एक और डिटेल इस बैग के बारे में, आपको अगर ये बैग बड़ा करना है ना, आप यहाँ से इस बटन को खोल सकते हो और ये बड़ा हो जाएगा बैग, आई मीन पूरा का पूरा खुल जाएगा, काफी सारा सामान आ जाएगा इसके अंदर, मुझे तो काफी पसंद आया ये बैग। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना इस बैग को, आई एम गोना गिव दिस 7 out of 10, थोड़ा और बेटर हो सकता था ये जो ट्राइबल प्रिंट मटेरियल यूज हुआ है ना इसके ऊपर, बट 550 में और क्या ही मिल जाएगा आपको। मैंने सिमिलर बैग देखा था बिजू पटनायक एयरपोर्ट में जब हम लोग वापस आ रहे थे, एंड द प्राइस ऑफ दैट बैग वाज 1450 रुपीज, एकदम सेम मटेरियल यूज हुआ था वो वाले बैग में, तो इट्स अ स्टील आई फील। सो दिस यूनिट टू शॉपिंग मार्केट वाज प्रीटी सिमिलर टू भोपाल का न्यू मार्केट। और एक चीज मैंने नोटिस की इस शॉपिंग मार्केट के बारे में, जो कि हर डिफरेंट शॉपिंग मार्केट के साथ ऐसा होता ही है कि उनका खुद का एक स्टाइल अवेलेबल होता है उनके पास, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के पास आपको लाइक सेम तरीके के कपड़े मिल जाएंगे, वैसे ही मैंने नोटिस किया विद कुर्तास। आई वोंट से दिस मार्केट वाज लाइक सरोजनी नगर मार्केट ऑफ दिल्ली और हिल रोड मार्केट और कोलाबा कॉजवे फ्रॉम बॉम्बे, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मार्केट का खुद का अपना एक वाइब है और भीड़ भी अच्छी खासी होती है वहां पे, लोग वहां पे आते कपड़े लेने के लिए, खरीदने के लिए। मैं तो ये कहूंगी अगर आप बजट में हो, स्कूल जा रहे हो, स्टूडेंट हो, या फिर आप ऑफिस भी अभी नया नया अटेंड किया
किया है, तो यहाँ पे आपको अफोर्डेबल चीजें काफी मिल जाएंगी और प्राइसी चीजें भी मिल जाएंगी. तो मार्केट ने ना थोड़ा सा अपने आपको बैलेंस करके रखा है. डेफिनेटली आई एम गोना रिविजिट दिस मार्केट एंड मैं फिलग्री वर्क की थोड़ी और ज्वेलरी खरीदना चाहती हूँ फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली गिफ्टिंग पर्पज के लिए. मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लगा ये. ऑलराइट, दिस वाज द हॉल वीडियो फॉर टुडे एंड रिव्यू फॉर द मार्केट. अगर आप उड़ीसा से हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर फ्रॉम उड़ीसा. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली और मैं आपसे बातें मिलती हूँ विद ब्रांड न्यू कॉन्टेंट ऑन माई चैनल. कॉमेंट कर देना. ऑलराइट, बाय एवरीवन, टेक केयर.